हेलो, वेलकम टू रोहिणी फूड। उपवास का सेम नाश्ता खा के बोर हो गए हैं, तो चलो आज बनाते हैं इंस्टेंट उपवास भेल। ये देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले ग्रीन चटनी लगेगी। ग्रीन चटनी के लिए हमें फ्रेश धनिया के नीचे की जो भी डंडी रहेगी उसको भी फेंकना नहीं है, उसको अच्छे से धो के एक शेप में काट लेना है। 1 इंच अदरक, आधा नींबू, 2-4 मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद मीठी चटनी के लिए हमें लगेगा इमली, गुड़ और खजूर। इन तीनों चीज़ों को आपको लगभग 1 घंटे के लिए भिगो के रखना है और बाद में इसको मिक्सर में पीस लेना है। ध्यान से देखिएगा, इमली और खजूर सीडलेस हो, इसमें कोई भी बीज ना हो, तो वो आसानी से पीस जाएगा। इसके बाद आते हैं भेल के लिए। तो भेल के लिए हमें लगेगा बनाना के चिप्स, पोटैटो के चिप्स, नींबू, उपवास का नमक, सेंधव नमक, डाड़म, धनिया, उपवास का छिवड़ा और उबले हुए आलू। तो अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू, और आपको ये बनाना चिप्स जो है ये आपको थोड़े क्रश करके लेने हैं, इस तरीके से थोड़ा प्रेस करके, बहुत मोटे मोटे नहीं और एकदम छोटे छोटे भी नहीं, इसे क्रंची लगने चाहिए। एकदम चटपटी रेसिपी है, एकदम इंस्टेंट भी है। साथ में आपको इसमें ऐड करने हैं पोटैटो चिप्स, इसको भी आपको क्रश करके लेना है इस तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे उपवास का चिवड़ा, अनार के दाने इसमें बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चटनी। ये जो हमने इसके इंग्रेडिएंट्स देखे थे, इन इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्सर में पीस लिया है और हम इसमें अभी इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप थोड़ा तीखा ज़्यादा बना सकते हो। ये इमली की चटनी हमने बनाई थी, जो हमें इंग्रेडिएंट्स देखे थे उनको हमने मिक्सर में पीस लिया है और हल्का सा उबल आने दिया है। ये चटनी आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब जाएगा धनिया और हमारा उपवास का नमक, सेंधव नमक। ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा डालिएगा, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स में आपको नमक मिल जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, नींबू का रस। वाव! तो दोस्तों, ये इतनी टेम्पटिंग है ना कि आप इसका स्वाद भूलेंगे नहीं। तो उपवास में आपको अगर कुछ चटपटा खाना है तो उसके लिए ये बेहतरीन ऐसा नाश्ता है। इसमें से अगर जो भी आप नहीं खाते हो आप उसको स्किप करोगे तो भी चलेगा। और ये है हमारी उपवास की भेल। और अब बारी आती है सर्विंग की। अब बारी आती है हमारे उपवास के भेल की, एकदम कलरफुल, एकदम चटपटे। तो दोस्तों, मेरी रेसिपीज़ को आप एंड तक देखिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लास्ट में थोड़े से अनारदाने, और ये रही हमारी उपवास की टेस्टी टेस्टी इंस्टेंट भेल। तो मिलते हैं अगले रेसिपी में।